नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। इस हफ्ते वो होने वाला है जो बीते 4 सालों में नहीं हुआ। 4 साल बाद अमेरिका रेट कट करने जा रहा है। इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ इंटरेस्ट रेट्स को लेकर, रेट कट को लेकर, रेट साइकिल को लेकर और हिस्ट्री के डेटा को लेकर सारी चीजें कवर करने वाला हूं। अगले 5 मिनट में शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। बाजार इस चीज का लगभग 1.5 साल से बेसब्री से इंतजार कर रहा है और फाइनली जब वो पॉइंट आया, जब रेट कट के लिए अमेरिका पूरी तरीके से तैयार हो गया, तो फिर ग्लोबल मार्केट्स डरने लगे हैं कि अमेरिका में आर्थिक स्थिति खराब तो नहीं हो रही है, कहीं मंदी तो नहीं आ रही है, कहीं जेरोम पॉवेल साहब ने रेट कट की स्टार्टिंग थोड़ी लेट तो नहीं करी है, क्या इन्हें पहला रेट कट जून में ले लेना चाहिए था, इन्होंने अपनी इकोनॉमी को समझने में गलती करी है, इस प्रकार के सवाल आने लगे। इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ किस टॉपिक पे बात करूंगा और किस तरीके से बात करेंगे उसको एक बार समझते हैं। सबसे पहले मैं रेट कट की बात करूंगा जो कि आपके लिए 17 सितंबर को फेड की पॉलिसी स्टार्ट होगी और 2 दिन की पॉलिसी होती है, 18th को आउटकम आ जाएगा। तो 18th सितंबर अपने आप में बहुत बड़ा दिन होने वाला है। कोई एक्सपायरी काम नहीं करेगी, कोई डेटा काम नहीं करेगा, कोई आपके लिए रेजिस्टेंस सपोर्ट कुछ काम नहीं करेगा, सब काम करेगा तो केवल और केवल फेड की पॉलिसी और उसका रिएक्शन। इससे ज्यादा कुछ नहीं है। कितनी भी स्ट्रेटजी बना लेना 17 सितंबर को, 18th को तो आपके लिए कुछ ना कुछ बड़ा होते हुए ही दिखेगा। आप सोचो कि दूर दूर की कॉल लेके बैठ जाएं तो विक्स बहुत हाई हो जाएगा, आपके प्रीमियम्स बहुत ज्यादा लग जाएंगे एंड अगर मार्केट ने ऊपर नीचे कर दिया तो आपका प्रीमियम टूट जाएगा, क्योंकि 18th को प्रीमियम नहीं बढ़ेगा, 18th को प्रीमियम घटेगा, 17th तक बढ़ेगा, क्योंकि इवेंट से पहले बढ़ता है और इवेंट के बाद टूट जाता है। तो इजी मेकिंग नहीं होगी, इजी मनी मेकिंग नहीं होगी यहां पे। उसके बाद ये रेट कट होता क्या है, पूरा साइकिल आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा, शॉर्ट में करेंगे क्योंकि अदरवाइज वीडियो बहुत स्ट्रेच हो जाएगी। करंट इंटरेस्ट रेट्स अमेरिका में क्या चल रहे हैं, मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूंगा 2 डिकेड्स के हाई पे चल रहे हैं, यानी कि 20 साल के। आगे आप सभी के साथ बात करेंगे पहले रेट कट अमेरिका में हुआ है क्या और कब कब हुआ है इसके बारे में। मैं आपको बता दूं 3 बार रेट कट हुआ है भाई साहब और तीनों बार ना बड़ी बड़ी समस्याएं सामने आई हैं जब जब रेट कट हुआ है। तो क्या एक बार फिर से आपके लिए बड़ी चिंता प्रॉब्लम आने वाली है, इसको समझेंगे। उसके बाद जो ये रेट कट आ रहा है उसमें बाजार क्या एक्सपेक्टेशंस लेके जा रहा है, क्या हो जाए तो बाजार खुश हो जाएगा, इसको समझेंगे। तो शुरू करता हूं पहले फेड की पॉलिसी से। फेड की पॉलिसी है दोस्तों 17 सितंबर को, 18 को आउटकम आ जाएगा। उसके बाद रेट कट साइकिल क्या होता है, रेट कट क्या होता है। देखो ब्याज दरें जो आप बैंक में पैसा डालते हो, आपको बैंक एक इंटरेस्ट प्रोवाइड करती है, वो आपका क्या है, इंटरेस्ट रेट है बैंक का। फॉर एग्जांपल आपका SBI 4.5% या 5% जो भी है, आपको 1 लाख डाला, 5% मिल रहा है तो 5,000 रुपये आपको इंटरेस्ट मिल गया। बैंक अपनी जेब से तो देगा नहीं, उस पैसे को बैंक क्या करता है, लोन पे चढ़ाता है और लोन पे वो जितना इंटरेस्ट रेट आपको ऊपर दे रहा है उतना ज्यादा महंगा इंटरेस्ट भी देगा। तो आपको 5% पे अगर इंटरेस्ट मिल रहा है सेविंग या FD पे, तो बैंक आगे उसे 8 या 8.5 या 9 पे उठाएगा, ठीक है। अब ये तो हो गया नॉर्मल इंटरेस्ट रेट्स। अब जब इंटरेस्ट रेट यानी कम होता है, जब आपको आपकी बैंक 4% ही दे तो फिर वो ब्याज पे भी सस्ता उठाती है, तो मार्केट में ना जो पैसा लोन पे उठ रहा है और वो सस्ता उठ रहा है तो इकोनॉमी में बूस्ट आता है, अर्थव्यवस्था जो है ना, जो कंट्री की होती है वो बूस्ट करती है, ग्रो करती है, क्योंकि मार्केट में पैसा सस्ते दाम पे फ्लो हो रहा है। आप और हम लोन ले रहे हो तो शायद इतना इंटरेस्ट रेट को नहीं देखेंगे क्योंकि हमें तो चाहिए भैया, फिर जो भी हो लेना पड़ेगा। लेकिन ये जो कंपनियां होती हैं बड़ी बड़ी, ये सस्ते समय पे बड़ा पैसा उठाती हैं केपेक्स करने के लिए, अपने क्षमता विस्तार करने के लिए, तो वो मार्केट में आएगा। आप मान के चलो कोई कंपनी है केपेक्स करना है, उसने कहा यार बहुत बड़ा अभी इंटरेस्ट रेट है, महंगा हो रहा है, अभी नहीं लूंगा मैं, सस्ता होते ही उसने उठाया इंटरेस्ट रेट पे पैसा, पैसा उठा के केपेक्स कर दिया, लेबर आएगी, लोगों को नौकरियां मिलेंगी, पैसा चलेगा मार्केट में, तो ये एक तरीके से इकोनॉमी को बूस्ट करने का काम करता है। तो ये रेट कट हो गया। अब जब रेट कट होते हैं तो आपका लोगों के पास पैसा आता है और पैसा आता है तो खर्चा होता है, खर्चा यानी कि डिमांड बढ़ रही है चीजों की और डिमांड के साथ साथ इन्फ्लेशन भी बढ़ जाता है। इसीलिए हम हमेशा रेट कट नहीं कर सकते, अदरवाइज महंगाई बहुत ऊपर आ जाएगी। फिर एक समय ऐसा आता है कि महंगाई बहुत ऊपर हो जाती है, फिर रेट हाइक होना शुरू होते हैं, यानी ब्याज पे पैसा मिलना महंगा होने लगता है, तो लोगों के पास धीरे धीरे पैसा कम होता जाता है और कम होता है तो फिर इकोनॉमी में
थोड़ा स्लो डाउन आने का डर होता है, लेकिन उसके साथ साथ इन्फ्लेशन भी नीचे आ जाता है। सिंपल सरल भाषा में अगर आप ग्रोथ की कोशिश करोगे तो इन्फ्लेशन पीछे आएगा, और अगर आप ग्रोथ कम करोगे तो इन्फ्लेशन नीचे आएगा। तो इन दोनों को मैच करते रहना ही आरबीआई भारत देश में और अमेरिका में फेड का कहीं ना कहीं टारगेट रहता है। आगे बात करते हैं, पहले रेट कट कब कब हुआ है। तो दोस्तों रेट कट की जो साइकिल है अमेरिका में, तीन बार देखने को मिली हमें। पहला 2001 में जब .com बबल हो गया था, दूसरा 2007-08 में जब वो रियल एस्टेट कॉलेप्स कर गए थे, लेमन ब्रदर्स वगैरह बड़ा क्रैश हुआ था, और तीसरा 2019-20 में, यानी कि अभी रिसेंटली कोविड के समय जब आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा सुस्त हो गई थी दुनिया में ही सबकी, तो फिर रेट कट करे गए जिसके चलते आपकी इकोनॉमी में बूस्ट लाया गया। तो अब चौथी बार आपके लिए रेट कट का सिलसिला शुरू होने जा रहा है, और ये 4 साल बाद आप कह सकते होगा। अब रेट कट से क्या एक्सपेक्टेशंस है मार्केट की। देखो बाजार थोड़े समय पहले यानी एक हफ्ते पहले तक कंफ्यूज था, 25 बेसिस पॉइंट यानी 1/4% रेट कट आएगा अमेरिका में फेड की तरफ से, या 0.5% का रेट कट आएगा। मार्केट इसको कह रहा था अगर आप 1/4% करते हो तो ठीक है कि आप इकोनॉमी को बूस्ट कर रहे हो, नॉर्मल लग रहा है, लेकिन अगर आप 0.5% से रेट कट करते हो तो फिर मार्केट इसे नेगेटिव लेगा। वैसे तो ये पॉजिटिव है क्योंकि बड़ा रेट कट तेज ग्रो करेगा आपके लिए, लेकिन उसे मार्केट नेगेटिव लेगा क्योंकि फिर बाजार ये कहेगा कि शायद जेरोम पॉवेल साहब गलत समझे अपनी इकोनॉमी को, उन्हें पहले एक पॉलिसी पहले जून में रेट कट करना चाहिए था, अब एक साथ वो बड़ा रेट कट मार रहे हैं और इकोनॉमी में मंदी आ रही है, ये नेगेटिव ले रहा था मार्केट। लेकिन जैसे ही उनका जॉब्स डेटा और इन्फ्लेशन डेटा आया ना, उसने क्लियर कर दिया नहीं 0.5% नहीं 1/4% ही होगा, तो अब 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट होगा मार्केट में, ये एक्सपेक्टेशन है। और उसके बाद हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए कि 25 बेसिस पॉइंट का इफेक्ट चेयरमैन जेरोम पॉवेल साहब रेट कट कर दें, देन कमेंट्री दें कि हम इसको आगे आने वाले समय में 25 बेसिस पॉइंट से और रेट कट करेंगे, हमारी इकोनॉमी कंट्रोल में है, अच्छी है, कोई स्लो डाउन का फियर नहीं है और इन्फ्लेशन हमारे कंट्रोल में है, बस इतनी कमेंट्री आ जाए बाजार के लिए सुपर पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये सारी की सारी बड़ी बातें हैं इस समय रेट कट को लेकर जो मार्केट में चल रही है। मैंने एक वीडियो में सब कुछ आपके साथ शेयर करने की कोशिश करी है, एक्सपेक्टेशन से लेकर व्हाट इज रेट कट। होप आपको सारी चीजें सही से समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।